यूएन में कल दोपहर आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश होने के बाद शहर का क्या हाल है वो ये तस्वीरें बता रही हैं। इस घटना से महाकाल लोक की आधा दर्जन प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासनिक और पुलिस अमले को मिली वो महाकाल लोक पहुंचे और आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद करवा दी। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने इस महाकाल लोक का उद्घाटन पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों को जांच कर दंडित किया जाए। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अभी महाकाल लोक को बने एक साल हुआ है, एक साल के अंदर 850 करोड़ रुपए महाकाल लोक के नाम से यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी आप मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति की कीमत 30,000 रुपए भी नहीं है। इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, इसकी कमेटी बनाना चाहिए, सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच कराई जाना चाहिए। आंधी और तूफान की वजह से उज्जैन शहर में भी कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की घटना हुई है।